चुका है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मंशी हारा हुआ इंसान फिर से नहीं जीत सकता। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 29 अगस्त दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें मित्रों, और कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखें। सूर्य भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित ज्ञान के बारे में। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शख्स अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए, उसका मान सम्मान और प्रसिद्धि दूर तक फैली हुई होती है। चाणक्य जी कहते हैं कि गलत संतान की शिक्षा देने में नौकरी व बिजनेस में कामयाबी मिलती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि कुशल और योग्य शख्स वही होता है जो हमेशा अपने मित्र को सही शिक्षा देता है, और बुरे संघर्ष के समय में मित्रों की सहायता करने वाला शख्स आगे चलकर सम्मान की प्राप्ति करता है। वहीं आचार्य चाणक्य जी अपनी किताब और नीति शास्त्र में दुश्मनों से निपटने के लिए इसी बहुत बढ़िया विधि के तरीके से समझाया है कि वे कहते हैं कि सभी कभी दुश्मनों को अपने हमेशा अपनी बातों और दिमागों में उलझाए रखें, और ताकि वह आपके बारे में चाल चलने के बारे में ज़्यादा ना सोच सके। और चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान में जीवन में सबसे बड़ी उसकी आत्मविश्वास होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मविश्वास होने से मुश्किलों से मुश्किल परिस्थितियों में वह उसका सम्मान करने में सक्षम होता है, और क्योंकि आत्मविश्वास वाले लोग कभी किसी का भले नाकाम नहीं हो सकते। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में। पाचंग 29 अगस्त दिन चल रहा है, रविवार, तिथि चल रही है सप्तमी, नक्षत्र चल रहा है भारणी, ऋतु चल रहा है वर्षा, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज उदय होगा 12 और सूर्यास्त होगा 7:02 पर। आज का शुभ समय 12:26 से 1:48 तक। आज का अशुभ समय 9:32 से 10:26 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 6 है, और भाग्यशाली दिशा पूर्व है, और भाग्यशाली रंग गिरे है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आज आप आर्थिक स्थिति बढ़ाने में प्रयास करेंगे और शामिल होंगे शास्त्र में, ज्ञान सुधार होगा, मन में एक नए तरह का आत्मविश्वास पैदा होगा, कुछ लोगों को अचानक भौतिक शरण का प्रवेश होगा, अर्थव्यवस्थाएं सुधरेंगी और आपको आय और व्यय में तालमेल बनाकर रखना होगा, भोग विलास साधनों में अधिक खर्च करने से बचेंगे, उनके बाधाओं बावजूद और साधन बनते रहेंगे। आज आप लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन परिजनों की कार्यों को अपनी भागदौड़ करनी पड़ेगी, इस दौरान यात्राएं भी होंगी, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं, सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा, काम करने में सुख सफलता प्राप्त होगी, और परिजनों के लोग में दूसरों के भले ही सोचेंगे और दिल से सेवा करेंगे, द्वती धन व बृहस्पतमान विराजमान होंगे, और आप आज अपने कुछ गुरु के प्रति निष्ठा भक्तिभाव और प्रतिष्ठा में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपके अधिकार में, संपत्ति में वृद्धि होगी, आज नए कार्यों में इन्वेस्ट भी करेंगे और शुभ सूचना रहेगी, रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी, प्रयास से सभी कार्य बनने की संभावना बनेगी, और खान पान दिनाचार में अपनी ध्यान रखना जरूरी रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज तुला राशि वाले लोगों का दिन मान अच्छा रहेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे और आपकी मजाकी शैली लोगों को पसंद आएगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इनकम ठीक ठाक रहेगी, प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज का दिन बढ़िया रहेगा, और आपके प्रेम के दिल
में जगह बनाएंगे। काम के सिलसिले में आज दिनमान अच्छा रहेगा और तुला राशि के जातक आज अपने कार्य क्षेत्रों में पारिवारिक दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए कार्य करेंगे। जरूरी कामकाज व्यवस्थित करेंगे और आज आपका फोकस रहेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग प्राप्ति मात्रा में होगी। आर्थिक दृष्टि से महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा आज आप पर बनी रहेगी, स्मृत रहेगी और आय में नई बेहतर प्रवेश रहेगी। फिर बाद में आपको पूरी तरीके से सफलताएं भी प्रवेश में तो उत्तम होंगी और आप लंबे समय से दोस्तों को देखकर खुश होंगे। पारिवारिक द्वारा किए सुधी खुशी का माहौल होगा और नए लोगों के साथ दोस्ती होगी। भाइयों द्वारा अनुकूल लाभ मिलेगा। आप अपने सपने को सच करने की कोशिश करेंगे और आपका गुस्सा राही पहाड़ बन सकता है। जो अपने गुस्से पर काबू रखें, छोटे भाई बहन आपसे राय मांग सकते हैं। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें और आज का दिन मन अज्ञात वह महसूस करेंगे। ऑफिस के जो भी कार्य हैं उन्हें मन लगाकर कार्य करेंगे। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें और उसमें निवेश बीमा शेयर की चाहते हैं तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बस माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधान रहना होगा और पारिवारिक में प्रेम मीठी वाणी का प्रयोग करें। आपकी शिक्षा दिशा में परिवर्तन होगा। शिक्षा की ओर से रुचि बढ़ेगी और नए कार्य प्रारंभ होंगे, सफल भी होंगे। आज अपनी बातों को सत्य साबित करने में सफल होंगे। सावधान रहकर कार्य करने का दिन रहेगा और अपने रहस्य दूसरों को न बताएं। कोशिश करें कि व्यर्थ की तर्कों से दूर रहें और माता पिता गुरु के प्रति निष्ठा भक्तिभाव और प्रतिष्ठा रहेगी और पारिवारिक मामलों में समझदारी काम आएगी। लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी और मेहमान आने में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। सायकाल चोट के भय बन सकते हैं। सावधानी से रहें और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य महसूस करेंगे और आज अपनों को शिकायतें दूर करनी होंगी, उन्हें पूरा करें। बाहर कहीं नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और सफलताएं भी मिलेंगी। कारोबार बड़े निवेश तैयारी होगी। युवा वर्ग मनपसंद कोर्स कर सकते हैं। करियर संबंधित कोई पढ़ाई पर भी फोकस करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द महसूस करेंगे और ख़ासतौर पर महिलाएँ इसके लिए सावधान रहें। घर को लेकर कुछ भावनात्मक फैसले भी लेने होंगे। कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें और पारिवारिक के सभी लोगों को सहयोग मिलेगा। कारोबार में वर्ग समझदारी लाभ आएगा। पुराना अनुभव काम फायदेमंद होगा, इसका लाभ भी उठाएं। किसी को दिया हुआ उधार वापस भी मिलेगा। युवा वर्ग मनपसंद कोर्स करेंगे और बचना भी होगा और करियर पर फोकस। फिलहाल ग्रह की स्थिति अच्छे मुनाफे का इशारा करेगी और ग्रह में मुनाफे का अच्छा इशारा होगा। मित्रों, यही था आज की राशि का राशि फल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों।